नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की है? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, दो सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से दो जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। एक बुके देना। जी सर। रेड रोजेस। अच्छा देता हूँ, ये लो रेड रोजेस। कितने का है? 200 का है। ओके थैंक्स।
क्या कर रहा है यार? कब से फोन कर रहा हूँ यार, फोन बिजी आ रहा है। एक काम नहीं कर सकता तू? इसे यहाँ एक घंटा हो गया, वो अभी तक नहीं आई। क्या करे यार। किससे बात कर रहा है यार, कब से फोन बिजी आ रहा है उसका? वहाँ प्रोग्राम स्टार्ट हो गया यार। हाँ यार, पता नहीं कहाँ पर है, रोज का नाटक है उसका यार, हमेशा ऐसे ही करता है। उसके बारे में जानते हुए भी तुमने कॉस्ट्यूम उसके हाथ में दे दिया, तो गलती उसकी नहीं तुम्हारी है, बेवकूफ। लो आ गया हीरो। सॉरी यार, पता नहीं था इसलिए कॉस्ट्यूम्स धोने को दे दी थी, वही लेने गया था इसीलिए देर हो गई यार। बकवास बनकर मेरे सामने नाटक करेगा तू? एक घंटे से फोन ट्राई कर रहा हूँ, फुल बिजी आ रहा है, किससे बात कर रहा था तू? अबे मोटे बोला तो समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं धोबी से बात कर रहा था। धोबी से बात करने में प्रॉब्लम नहीं है, उसकी बेटी से बात करेगा तो प्रॉब्लम है, तू भी एक दिन धोबी बन जाएगा। अब बस करो, ऑलरेडी लेट है, अब चलो। माँ, मैं अभी आया। माँ जल्दी खाना दो ना। माँ दे रही हूँ बेटा। माँ आज मैंने कॉलेज में जो डांस किया उसे देखकर तालियां सीटियां बजने लगी, सच कह रहा हूँ, आप देखती ना तो बहुत खुश हो जाती। बस बस माँ, अब ये सब क्यों? कॉलेज में आज तुझे नजर लगी होगी ना, तो नजर उतार देती हूँ। अब ये कौन सा पहाड़ तोड़कर आया है? इसने आज कॉलेज में डांस किया तो सबने इसकी तारीफ की। हजारों रुपए कॉलेज में खर्च होते हैं डांस करने के लिए क्या? पढ़ लिख कर कुछ काम करने के लिए? पहले खाना तो खा लेती। तुम चुप रहो, हर बार इसका सपोर्ट करती हो। अरे मिस्त्री जी, इंजीनियर साहब बुला रहे हैं। हाँ आ रहा हूँ। पापा चिल्लाए तो खाना खाना छोड़ देगा क्या? इन्हें कितना भी समझाओ नहीं सुनते, बच्चे के खाना खाते वक्त नहीं चिल्लाना चाहिए। हाँ बाहर डालेगा। Yes. Come on, जल्दी बोलो। देख हमारा स्कोर बहुत कम है, टाइट बोलिंग करनी है, समझा ना? हमें जीतने के लिए 6 बॉलों में 20 रन चाहिए। ऑल द बेस्ट। ख्याल से खेलना। अबे ठीक से मारना। उफ। इसको क्यों मारा बे? अरे भाई गलती से लग गया भाई। अरे भाई रहने दो, माफ कर दो, गलती से लगी है। सॉरी। अब देखिए अब खेल में। अरे जाने दो, मैं माफी मांगता हूँ। अरे अरे ये क्या कर रहा है? तेरी तो ठीक है, छोड़ो।
इसे ध्यान से लेके जाओ। चलो आराम से आराम से लेके जा रहे। एक काम करते हैं, मैच को ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि उसे चोट लगी, उसे हॉस्पिटल ले जाना है, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट टाइम फिर से खेलेंगे, अभी के लिए सॉरी। हाँ प्लीज। वो तुम्हारे एरिया के थे? अरे मुझे नहीं पता कहाँ रहता है, बता। अरे मैं सच कह रहा हूँ, नहीं पता मुझे। देख कहाँ रहता है मुझे बता दे। मुझे नहीं पता यार कहाँ रहते हैं, लेकिन ईमानदारी से बता। अरे जब नहीं पता तो मैं कैसे बताऊंगा, तू ही बताना। देख मुझ पर भरोसा कर, सच सच बता कहाँ रहता है। देख वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, ये सब छोड़ दे। देख मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ कहाँ रहता है वो। मैं कह रहा हूँ वो खतरनाक लोग हैं, छोड़ दे इसे। वो सब नहीं जानता, तुमने देखा उसकी वजह से हमारा जीता हुआ मैच ड्रॉ हो गया। हम दोबारा मैच जीत जाएंगे, उनको छोड़, खतरनाक लोग हैं वो। अरे डेविड कहाँ रह गया, अभी तक आया क्यों नहीं? अरे आ जाएगा यार। बाप रे बाप यार, मूड नहीं बना और ले क्या? तरल खत्म हो गया यार, जाना रे। अब तरल लेके आता हूँ मैं। क्या बोले? अभी तो आया नहीं। कहाँ गए वो लोग? कहाँ रहे थे तू? कौन है तू? अरे बाइक पकड़, पकड़ यार। क्या कर रहा है? हाय हाय यार, कैसा भाई? कैसा यार? हाय, फिर से लेट आया तू? अरे तू यहाँ था, मैं पूरा कॉलेज ढूंढा है। बगल में बच्चों, गांव में ढिंडोरा। अबे मोटे, जो बोल रहा हूँ वो सुन। कल रात इसने शिकार गैंग को ढिंका छिका ढिंका छिका ढिंक। अरे सर आ गए, सर आ गए। बैठ बैठ। अच्छा तू भी आ गया, सही है। इडियट्स सर। आ जा। Not Pavan, Arjun. You, Mr. Arjun. Huh? Come on, get up. Tumhi. Huh. Come here. करने ही आता है बस, नालायक कहीं। अरे भाई कल शिकार गैंग को तो धोया है ना। अरे ऐसा उठा तू भी आ गया कांग्रेस। सही कह रहा हूँ यार, तू क्या, तुझे लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं इस कॉलेज में नहीं पढ़ूंगा, मेरे पापा को बोला भी था। स्कूल से कॉलेज तक डिसिप्लिन डिसिप्लिन दिमाग खराब हो जाता है। कितना डिसिप्लिन फॉलो करें यार, कॉलेज में भी क्या ऐसा होता है कभी? क्या बेकार जिंदगी है, इस समस्या का कोई समाधान नहीं है क्या? अरे यार एक साल और इंतजार करना पड़ेगा, कर लेंगे। हाँ नहीं नहीं ठीक है, बाहर क्या पढ़ने का नौटंकी कर रहा है?
क्या बात है? फालतू का एटीट्यूड दिखा रहा है ये प्रोफेसर। स्पेशली रोज बोलना पड़ेगा क्या? बाहर उन लोगों को समझ में आ गया है, इसलिए अंदर नहीं आए हैं। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यार वहां पर चार लोग बैठकर दारू पी रहे थे, हमने एक को इतना धोया लेकिन फिर भी कोई आया नहीं। अरे बाप रे। और तो और, एक को तो हमने टावल लपेट के जो धोया है उसकी तो पूछो ही मत यार, वो कब बेहोश हो गया पता ही नहीं चला। सच में धोया तुम लोगों ने? हाँ। क्या बात है, बहुत अच्छा काम किया, मुबारक हो बोल बच्चन कहीं का। देख यार, शेमलेस फेलो। वॉचमैन की ड्यूटी मिली है क्या? तू जा यहाँ से। ए, लेट हो रहा है, जल्दी चल। हाँ। क्यों बेटा, पिक्चर कैसी थी? इतनी जल्दी जल्दी क्यों खा रहा है, आराम से खाना। कल मुझे कॉलेज जाना है ना। अभी जल्दी खाकर सो जाऊंगा, तभी तो टाइम पर उठूंगा। मुझे फिर से खाना खाने मत उठाना, ठीक है? हाय भाई। और बता, उस लड़की की डिटेल्स मिली क्या? नाम अदिति है, BBM फर्स्ट ईयर, लेट एडमिशन हुआ है, फिफ्थ टू इंटर तक मुंबई में ही पढ़ाई की है, डैड का बिजनेस है, इकलौती बेटी है, ये लोग उसके साथ के हैं। ओ अरे यार, क्या अपना टाइम वेस्ट कर रहा है उसके पीछे, भूल जाओ उसे।
देख यार, अभी तू कितना खुश है, क्यों लड़की के पीछे वक्त बर्बाद कर रहा है? ये लड़कियां मलेरिया डेंगू से भी ज्यादा डेंजरस हैं। अब इसे देख, रईस की तरह जिंदगी जीता था और अब भिखारी की तरह लगता है, किस्मत का मारा। यार तुम इन लोगों की बात मत सुनो, मेरे पास लड़कियों को पटाने के लिए बहुत सारे प्लान्स हैं। यार तुम लोग ठीक ही कह रहे हो, रिस्क लेना ठीक रहे। पूरी आंसर शीट भर दी मैंने, इस बार अकाउंट में 100 में 100 आएंगे मेरे। आज अकाउंट्स का नहीं, फाइनेंस का टेस्ट है। क्या पता कर रहे तुझे? यार पेपर कैसा गया, इसे क्या हुआ? टेंशन मत ले, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, तू आराम से जा। क्या बात है बॉस, छुट्टी के बाद सारे लड़के खुश हैं और तुम इतने डल क्यों लग रहे हो? मैंने आदित्य से बात भी नहीं की, इतनी जल्दी 1 साल भी हो गया, लगता है जैसे दिल के पास है। जानता हूँ ये झूठ है पर मैं उससे बात करना चाहता हूँ, समझ में नहीं आता कि कैसे शुरुआत करूँ। इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है, चलो मेरे साथ, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होता है, इसका भी सोल्यूशन है, आ जाओ। खाली राकेश है, राकेश रोशन नहीं है। नंबर डायल कर। ए मोहन इधर आ। आ रहा हूँ। सुन सुन सुन, अब मैं जो बोलूंगा फोन पर वही कहना। ओके। लड़की की आवाज़ में। ओके। ये ले। हेलो। आदिति है क्या पूछ? आदिति है क्या पूछ? क्या? अरे वो कहाँ, ये पूछ। आदिति कहाँ है? कौन बोल रहा तुम? वो घर पे है। चल जा। आइडिया। नमस्ते सर। डायल कर। सर बुक्स। रुको। हेलो। हेलो। आई एम कॉलिंग फ्रॉम कन्नू डिग्री कॉलेज, लाइब्रेरियन हियर, कैन आई टॉक टू आदिति? हाँ बोलिए सर। देखो कल बुक सबमिट करने की लास्ट डेट है। हाँ कल मॉर्निंग में कर दूंगी सर। बाय सर। ओके। क्या हुआ? काम हो गया, टेक्निकल टोनी हूँ मैं, 10 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, तेरा काम बन गया। एग्जाम ठीक से नहीं लिखा है इसलिए अभी से ही प्रिपेयर होना चाहता हूँ। Excuse me, ये बुक्स अदिति को देना है। अदिति तो अपने चाचा जी के घर चली गई, वो वापस आएगी तब उसे दे दूंगी। कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा। नहीं नहीं मैं दे दूंगी। यार एक बात तो बता, हम यहाँ आए क्यों हैं? अरे उसे ढूंढकर उसके पास जाना होगा। हा? मुझे पूरा यकीन है वो यहीं पर ही होगी। और उसने ना बोल दिया तो? हे, मुझ जैसे लड़के को ना बोलेगी तो ये उसका ही नुकसान होगा। क्या बात है मेरे मजनू। अच्छा छोड़ छोड़ चल अब। ए, मैं आता हूँ। हे इधर आ। क्या है ये सब? घर वालों को पता चल गया तो प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। नहीं एक बार मेरी बात तो सुन लो। आई लव यू कहना है ना, उसके बाद मूवी जाना, पार्क में जाना, घंटों तक फोन पर बात करना, बस यही ना तुम्हारी नजर में प्यार का यही मतलब है?
सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से होता है। सीरियसनेस, सिंसियरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। आपका इस तरह से मेरा पीछा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। अगर मेरे पेरेंट्स को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। जिस दिन से कॉलेज में तुम्हें पहली बार देखा है उस दिन से ही तुमसे बात करना चाहता हूँ, मगर तुमने अपनी बात बता दी मुझे। अब मैं तुम्हारा कभी पीछा नहीं करूंगा। सॉरी दीदी। स्टूडेंट नहीं सर। कहीं जॉब करता है? हाँ सर। वहाँ किसी से कोई दुश्मनी थी क्या? नहीं, कोई नहीं सर, कोई भी नहीं। कोई प्यार का चक्कर? नॉट रीचेबल आ रहा है भैया, मुझे डर लग रहा है। शीज आदिति माय स्कूल फ्रेंड, अपनी ही ग्रुप की है। हाय हाय। इतनी लेट से ज्वाइन क्यों किया? काफी सारे टॉपिक मिस कर दिए। मुझे मुंबई से टीसी लाने में थोड़ी देर हो गई और कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है ये भी डिसाइड नहीं कर पा रही थी, इसलिए एडमिशन लेने में थोड़ी देर हो गई। ये यहाँ का सबसे बेस्ट कॉलेज है। यहाँ पर सब कुछ बेस्ट है लड़कों को छोड़कर। इस कॉलेज के अकाउंट लेक्चरर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ना? यहाँ के लेक्चरर्स बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा जरा लड़कों से तुम बचकर ही रहना, यहाँ के लड़के बहुत ही चालाक हैं। तुम एक बार उनकी तरफ मुड़कर देख लोगी ना तो पूरे कॉलेज में बोलेंगे कि तुम उससे प्यार करती हो। बहुत ही अच्छी चेन है भाभी, कहाँ से बनवाई आपने? हाय भाभी। नमस्ते आंटी। नमस्ते। हाय माँ। हाय बेटा। अदिति को मुंबई से यहाँ लाकर बहुत अच्छा काम किया, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। वो क्यों? आज के जमाने में लड़कों पर जरा भी भरोसा नहीं कर सकते। नहीं बच्ची सामने रहेगी तो अच्छा रहेगा। हमने नहीं बुलाया, वो खुद ही आ गई। इन लड़कों से अपनी लड़कियों को बचाने के लिए हम सबको तो खुद ही बॉडीगार्ड बनना पड़ता है। वैसे मेरी बेटी तो अपनी संस्कृति को निभाने वाली है। ओहो टाइम हो गया। बेटी सोनी, मैं तो बात करते करते भूल ही गई, वो आ गई होगी ना। अजीब सी है ये। शाम को मिलते हैं। हाँ बाय बाय बाय। ये तो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं ना? तू इन लोगों के बारे में इतना मत सोच यार, ये तो रोज का है, कॉमन है। तू चल। अरे तो चल ना बाबा, चल।
एक बैच में एक भी लड़का पढ़ने वाला नहीं है। हमेशा कॉलेज बंक मार के घूमते रहते हैं या लड़की के पीछे जाते हैं। सब एक नंबर के लोफर हैं। इन सब के बारे में तुझे ये सब कैसे पता है? मुझे कैसे पता? हाँ, कॉलेज के नोटिस बोर्ड के नोटिस जैसे हैं ये लोग। अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर बीकॉम बैच के बारे में पूछना तो पता चलेगा। ये लोग बहुत गेम्स खेलते हैं, तू जरा संभल कर ही रहना। या त्योहार का सीजन है ना, तो बाकी का सामान जल्दी भेज दो, थोड़ा जल्दी भेज दो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ओके। ये सारा मटेरियल वहां रख दो बेटी। ओके पापा। हाँ, क्या हाल है मूर्ति? बीवी बच्चे कैसे हैं? कैसा चल रहा है? बस चल रहा है, धीरे धीरे ज्योति को भूलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा है भूलना। वो जिससे प्यार करती थी उसी से शादी करवाई। वो रोज उसे टॉर्चर करता था, उसकी सारी खुशियां छीन ली थी उसने। बाद में एहसास हुआ कि उसने उससे शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी। पैसों के लिए वो उसे रोज पहरता था। प्यार करके उसे धोखा मिला है, ये बात वो हमें नहीं बताना चाहती थी, इसीलिए सब कुछ दिल में छुपा कर रखा उसने। मुझे माफ कर देना बेटी, वो अपना दुख किसी को नहीं बताती थी, मगर वो सब कुछ इस डायरी के अंदर लिख दिया करती थी। आज के जमाने में प्यार का मतलब है लड़का लड़की का बाइक में घूमना, सेलफोन पे घंटों बातें करते रहना, सिनेमा और पार्क में घूमना फिरना। माता पिता से झूठ बोलकर अपने आप को धोखा दे रहे हैं ये लोग। ऐसे घूमने फिरने वाले लोग शादी कर लेंगे गारंटी नहीं है। शादी कर भी लिया तो जिंदगी भर खुश रहेगी कोई भरोसा नहीं है। आज के जमाने में लड़कों के अंदर कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे लड़कों पर भरोसा करके लड़कियां अपनी जिंदगी तो खराब कर ही लेती हैं, अपने माता पिता को भी दुख पहुंचाती हैं। पापा, हाँ? मैं घर जा रही हूँ। हाँ? बाय अंकल। बाय बेटी। मैं एक पुलिस कंप्लेंट करना चाहता हूँ। अब पुलिस कंप्लेंट करोगे उसका क्या फायदा होगा भला? वो इन लोगों को दुख दे रहा है तो देखना वो भी कुत्ते की मौत मरेगा। ऊपर बैठा भगवान सब देख रहा है। अर्जुन यहाँ? अरे अदिति, किधर जा रही हो? हाय भैया, घर जा रही हूँ। बैठो, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। प्यार करके धोखा कैसे दे सकता है? बेचारे मूर्ति अंकल को देखकर बहुत बुरा लगा। शादी हो गई तो खुशी से रह सकते हैं ना? ऐसों के लिए कितना टॉर्चर किया उसे। बेचारी ज्योति सुसाइड कर लिया। किस पर भरोसा करना चाहिए समझ ही नहीं आता। अरे यार, हमारे इस जनरेशन में प्यार का ना कोई मतलब नहीं होता। पहले लड़की का पीछा करना, वो ना बोले तो फिर धमकी देना, यहाँ तक कि कभी कभी जान से भी मार देते हैं। क्या इसी को प्यार कहते हैं? ये ना एक तरह का सैडिज्म है। मैं तो ये प्यार व्यार में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। मेरे पेरेंट्स जो भी रिश्ता मेरे लिए लेकर आएंगे ना, उसी से शादी कर लूंगी और फिर घर बैठकर एंजॉय करूंगी। लड़का चाहे पेरेंट्स ढूंढे या हम ढूंढे, पर वो जिंदगी भर हमें प्यार करना चाहिए। ऐसा लड़का मिल गया तो जिंदगी आराम से कट जाएगी। रोज रोज जो लड़का तेरा पीछा करता है ना, जाकर उसी से प्यार कर ले, फिर जिंदगी भर वो तेरे पीछे पीछे आएगा और तुझे बहुत प्यार करेगा। उसे मैं कल ही कहने वाली थी कि मेरा ऐसे पीछा मत करो। इतने में भैया वहाँ आ गए। हाय। हाय। एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? सुपर। पहले एग्जाम देकर हॉलीडेज एंजॉय करेंगे, उसके बाद शादी का सोचेंगे क्या? चुप कर, चलो। हो जाएगा सर। ओके, थैंक यू। अदिति जल्दी करो ना। अदिति फास्ट। हाँ भैया, हमें जल्दी निकलना। ओके, सिर्फ दो मिनट। हेलो,
क्या? कौन बात कर रहा है? कौन बोल रहा है यार? अदिति फास्ट ओके? ठीक है भैया, बस दो मिनट। मेरा दुपट्टा कहाँ है? हेलो, हाँ बोलिए सर। हाँ कल मॉर्निंग में कर दूंगी सर। बाय सर। हाँ प्रनीता। हाँ कल ये बुक्स कॉलेज में सबमिट कर देंगी। हाँ ठीक है। हाँ चलो जल्दी पैक करो। इसे मैं लेकर आ जाऊंगी। ये दोनों भी लेकर आना। हाँ अच्छा। हाँ दीदी, आपके पीछे एक लड़का घूमता था ना, वो दिखने में कैसा है? कितने लड़के तुम्हारे पीछे पड़े हैं ना, तो अब तुम लव मैरिज करोगी या अरेंज मैरिज? देखो, लव के बहाने इस तरह पार्क में घूमना, फोन पर घंटों घंटों तक अननेसेसरीली बातें करना, घर में मॉम डैड से झूठ बोलकर बाहर घूमने जाना, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अगर कुछ भी हो तो डायरेक्ट घर पर बता देना चाहिए। वो भी आपकी तरह सोचता होगा तो? तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। वो दूसरी किसी लड़की के पीछे पड़ा होगा और ऑलरेडी एंजॉय कर रहा होगा। मेरे पेरेंट्स को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरा पीछा मत करो प्लीज। तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा, सॉरी। दीदी, मुझे ढूंढते हुए यहां तक आ गया? अनबिलीवेबल। हाँ चलो। जब से पहली बार तुम्हें कॉलेज में देखा है, तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हारा पीछा कभी नहीं करूंगा। Thank you.
गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग अदिति, आप जाइए. हाउ आर यू? आई एम फाइन. ये मेरी फ्रेंड दिव्या है. नमस्ते आंटी. नमस्ते. पापा ने आपको ये चेक देने के लिए कहा है. ओह थैंक यू थैंक यू. पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है. मेरे साथ आओ. ये बच्चे स्टेज पर ड्रामा का रिहर्सल कर रहे हैं. आओ देखते हैं. चलो. इस ड्रामा के लिए 3 महीनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं. आज सबके सामने ये करने वाले हैं. एक बार ये प्रोग्राम यहाँ हो जाए तो पूरे साल के लिए फंड जमा हो जाएगा. ये प्रोग्राम जिसकी वजह से हो रहा है, स्पॉन्सर जिसकी वजह से मिले, वो देखो, वो जो मास्क पहनकर खड़ा है वो है अर्जुन, जिसकी वजह से सब हो रहा है. पहली बार अपने दोस्तों के साथ यहाँ डोनेशन देने आया था, उसके बाद से वॉलंटियर का काम शुरू कर दिया. बहुत ही अच्छा लड़का है. भगवान हमेशा उसका ख्याल रखे, उसे कामयाबी मिले. जो उसे चाहिए वो उसे मिल जाए. प्लीज कम उससे मिलवाती हूँ. नहीं, मुझे अर्जेंटली जाना है. जब अगली बार आऊंगी तब सबसे मिल लूंगी. गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड. गॉड ब्लेस यू. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू आंटी. वो देख अकेला बैठा है, जा बात कर. मैं बात नहीं कर पाऊंगी. अगर उसने मुझसे बात नहीं की तो ऐसा कुछ नहीं होगा. जानो मुझे आपसे कुछ बात करनी है. शाम को मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, आपको आना होगा. चलो. अबे ये क्या, मेरे बर्थडे पर क्यों बुला लिया? तो क्या बात करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था. सॉरी. वाओ, ये सब कब हुआ भाई? कॉन्ग्रेट्स यार. एक्सक्यूज मी मिस्टर बलराम. 201 सीधा जाइए. या थैंक यू डॉक्टर. स्टिल हिज कंडीशन इज वेरी सीरियस. नो इम्प्रूवमेंट. 24 आवर्स के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे. बलू भाई लिसन, डोंट वरी, सब वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट. हम आज के दिन का इंतजार कर रहे थे ना. पापा, भैया, आंटी, अंकल, सब लोग आए हुए हैं. तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना, वो पूरा करने से पहले तुम मुझे अकेले इस तरह छोड़कर चले जाओगे क्या? उठो अर्जुन, प्लीज उठो अर्जुन. मुझसे बात करने में कोई प्रॉब्लम है तो मैं चला. I'm so sorry. मैं तुम्हें ठीक से समझ नहीं पाई. मेरा पीछा मत करो कहने के बाद भी दूसरे लड़कों की तरह मेरा पीछा करोगे, मुझे टॉर्चर करोगे, ऐसा सोचा था. पर मेरा सोचना गलत था.
आप वैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। जिस दिन से तुम्हें देखा है उसी दिन से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुमसे बात करने के लिए ही मैं इतनी दूर तक गया था, पर तुमने मुझे क्लियरली बता दिया। फिर मैं तुम्हारा पीछा करूँ तो ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, और मैं ऐसा नहीं करना चाहता। औरों के जैसे लड़कियों को कमेंट करना, फिर उसके बाद उन्हें आई लव यू बोलना, पार्क और सिनेमा हॉल में घूमना, फोन पर घंटों घंटों बात करना, ये मुझे पसंद नहीं। मैं औरों की तरह टाइम पास नहीं करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो ही हम आगे बढ़ेंगे, वरना मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। मगर तुमने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया और अपनी सारी बात कह दी। जब मैंने तुम्हें कॉलेज में पहली बार देखा तब मुझे तुम कुछ अलग लगे। तुम मेरा पीछा करते थे लेकिन मुझे बहुत खुशी होती थी, कभी भी गुस्सा नहीं आया मुझे। कोई देख लेगा इस बात का डर भी लगता था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मेरा पीछा करते करते मंदिर तक पहुंच गए, मेरे लिए इतनी दूर चले आए। और उस दिन जब मदर ने तुम्हारे बारे में बताया तब तुमसे बात करने का दिल भी किया, अपने बारे में सब बताना चाहती थी। जैसे तुमने मेरा पीछा किया वैसे मैं भी तुम्हारा पीछा कर रही थी, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। तुम मुझसे शादी करोगी? मैं पूरी जिंदगी तुमसे प्यार करूंगा, तुम्हारे मम्मी डैडी पूरी फैमिली से मिलकर समझाऊंगा। आई प्रॉमिस यू। आज से मैं अपना टाइम टेबल बदल रहा हूँ, आज से कोई भी क्लास बंक नहीं करेगा। अरे वो इधर नहीं है, चल 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 चल। अरे चल चल चल। अरे अरे सुन तो, बता ना कहाँ जा रहा है। सब बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम दे। ये क्लास के टाइम पे कहाँ लेके जा रहा है? चल। अरे यार जा तू ही पढ़ और तू ही सुधर जा। हम यार ये अच्छा मौका है, चलना इसके साथ, मेरी बात मान, एक बार चलना यार। छोड़ जाने दे इन लोगों को। हाँ अरे जाने दो ना, चलो जाओ क्लास अटेंड करो, तू आ मेरे साथ। अरे यार क्लास जाएंगे तो भी लेक्चर शुरू हो चुका होगा, एक काम करते हैं आखिरी बार देखते हैं। हाँ आ जा चल।
हाँ ए, ये देख। कौन से ग्रुप के हो तुम लोग? बीकॉम से कैंडी है। अरे क्यों बताया, दोबारा नहीं करेंगे सर। अरे पीटी सब देख लिया। अमाउंट अवेलेबल इन हैंड, अमाउंट ऑफ द शीट्स, द रियल एजेंट विल नॉट। हेलो कहाँ जा रहा? पानी पीने सर। जाकर बैठो चुपचाप। द रियल एजेंट विल नॉट लीक द लीड्स टू एनीवन और whoever। जिसने भी दीवार कूदने की कोशिश की थी, प्लीज कम आउट, मैंने उन्हें देखा है। तो बैठ। मैं हूं सर। अबे राकेश डांस करना बंद कर। ये लोग ना कभी नहीं सुधर सकते। हाँ अदिति, अदिति स्कूटी स्टार्ट कर। क्या हुआ? स्टार्ट कर एक बार ना। सुनो तो, चल चलना है। अब उस अयुब की वजह से मैं पकड़ा गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एक बार बात सुनो तो अदिति, अदिति अदिति, प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो। मैंने कॉलेज बंक नहीं किया है। जब से मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है, तब से मैंने अपनी सारी आदतें बदल दी हैं। अपने फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ। उस दिन अयुब आया और कहा कि नई फिल्म रिलीज हुई है और अगर प्यार करना है तो सच्चे दिल से प्यार करो। अगर इस तरह अपने दोस्तों की बातों में आ जाओगे तो कैसे चलेगा? जिसे मैं चाहती हूँ उसके बारे में कोई गलत कहता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। वादा कर देना बहुत आसान है, लेकिन उस वादे को निभाना बहुत मुश्किल। Hey, that's okay. इसका आंसर तो मैंने दिया था, इसमें और ये भी मैंने बराबर से लिखा है। और ये वाला तो मुझे आता है भाई। 100 में से 40 मेरे कंफर्म है। अब ISB में ज्वाइन करने का मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। उसके बाद US जाऊंगा। उसके बाद टाइम अच्छा होगा तो मैं मून पर भी जाऊंगा। सबसे पहले फर्स्ट ईयर पास कर, फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सब्जेक्ट क्लियर कर, उसके बाद पासपोर्ट नाम की चीज होती है उसे बनवा लेना। उसके लिए आधार कार्ड नहीं चलेगा क्या? अरे यार ये बता,
आगे क्या करना चाहता है तू? हम तो हैदराबाद जा रहे हैं भाई। वेरी गुड। कब जा रहा है यार? लेकिन यार चाहे कुछ भी हो जाए हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। चलो यार चलते हैं। चलो ठीक है, अपने स्पॉट पर मिलते हैं। हाय, कैसा रहा एग्जाम? बढ़िया रहा ना? हाय कैसा है? जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तब इसी कॉलेज से कब छुटकारा मिलेगा ये सोचते थे। आज इतने सारे दोस्त अलग हो रहे हैं तो कॉलेज की वैल्यू पता चल रही है। ये हैदराबाद जाना चाहता है। क्यों? हैदराबाद डेवलप करना चाहता है क्या? मैं हैदराबाद डेवलप करने नहीं जा रहा हूँ, मैं खुद डेवलप होने जा रहा हूँ। यहीं पर नहीं कर सकते हो क्या अपना डेवलपमेंट? यहाँ जो किया वही बहुत है, वहाँ जाकर कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज सुबह इंजीनियर साहब से बात की है, कल सुबह से काम पर आ जाना। पापा मैं MBA पढ़ना चाहता हूँ, कोचिंग ज्वाइन करना है मुझे। मुझे 2 महीने का टाइम दे दीजिए, अगर मैं नहीं सुधरा ना तो आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा। ठीक है, लेकिन वहाँ कुछ गड़बड़ किए बिना जो काम करने जा रहे हो वही करना। संभल कर रहना हाँ, और खाना हमेशा टाइम पर खाना। अच्छा, पढ़ाई पर ध्यान देना। बाय। खाना टाइम पर खाना हाँ। आप टेंशन मत लीजिए आंटी। कौन? भैया ये मेरा दोस्त है बालू। हाय बालू। हाय। मुझे जरा काम है, मैं होकर के आता हूँ, ठीक है ना? तो लोग फ्रेश वगैरह बोलो। हैं ठीक है। तो मैथ्स की कोचिंग लेना चाहते हो? हाँ भैया। बीटेक करने वाले भी MBA कर रहे हैं, वैसे भी जॉब में कंपटीशन कुछ ज्यादा ही है, सो अभी से हार्ड वर्क करना होगा। हैदराबाद इंसान को बड़ा बनाता है, चोर भी बनाता है, खूनी भी बनाता है, लेकिन इसमें शहर की गलती नहीं है, ये सब अपने हाथ में होता है। तो जिस लक्ष्य के लिए यहां आए हो उसे कभी भी मत भूल। हेलो। हाँ अदिति। ये क्या बोल रही हो? अरे फास्ट करो यार, फास्ट। आजा मेरे यार। यार जरा उस लड़की को देख। तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? बहुत चाबी सवार है ना तुझे, यहाँ तक आ गया। तू बाहर निकल, पहले इसको बाहर निकल। छोड़ दो उसे। पीछा हटो दीदी। भैया अर्जुन को मत मारिए, छोड़िए। हे क्या हो रहा है यहाँ पर? तेरी तेरी हिम्मत कैसे उसे मारने की? मेरे दोस्त को मारेगा तू? कोई लफड़ा है क्या? कोई बताएगा? सर सर मेरी एंगेजमेंट चल रही है और वो यहाँ झगड़ा कर रहा है। झूठ बोल रहा है ये। चुप राकेश, ये लोग जो कह रहे हैं वो सच है? तुम पहले अंदर जाओ, मैं तुम्हें अंदर जाने के लिए कह रहा हूं ना। अंदर चलो अदिति।
अमित हाथ छोड़ो उसका, वो हाथ अपने हाथ से निकल चुका है। एक घंटे में एंगेजमेंट होने वाला है लेकिन ये अभी तक तैयार नहीं हुई है, इसका मतलब ये उसके साथ जाने के लिए तैयार है। अदिति आज से घर से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। आप अपनी तरफ से कोई कंप्लेंट करना चाहते हैं? मेरी बात सुनो अदिति, अपनी पढ़ाई बीच में मत रोको। मैं भी अब जॉब करूंगी अर्जुन, मुझे पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, इसे आधे में मत छोड़ो। किसी की फालतू बातें मत सुनो और अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करो। अदिति कम। अदिति, अदिति प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो। मैंने बंक नहीं मारा। सुमा सुन, इसके साथ जाओ और ये सब चीजें ले लेना, इसमें सब लिख दिया है। तुमने सब कुछ लिखा है ना? मुझे ऑफिस में काम है, मैं वो फिनिश करके रूम पे मिलता हूँ। ठीक है, बाय। ओके बाय बाय, चल मिलते हैं। ओके अदिति आओ। चलो से लंच और ब्रेकफास्ट यहीं घर पर बनाएंगे, डब्बा ले जाएंगे। मुझे खाना बनाना नहीं आता अर्जुन। कोई बात नहीं, चावल दाल कैसे बनाते हैं मैं तुम्हें सिखा दूंगा, ठीक है? एक्चुअली काम थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, मुझे क्रिएटिव हेड में प्रमोट कर दिया है। Really? Oh, congrats! तुम लोग यहाँ कैसे? एक्चुअली तुम्हारी माँ जी ना। माँ को क्या हुआ? हटो। माँ, माँ का नाम सुनते ही पैंट गीली हुई इसकी। माँ रुको। तुम रुको। अबे ए, को यहाँ क्यों लेके आ गया? अरे माँ, माँ ये अदिति है। नमस्ते आंटी, मैं अर्जुन को बहुत चाहती हूँ, इसलिए इसकी खातिर अपना पूरा परिवार छोड़कर यहाँ इस घर में चली आई। किसी न किसी दिन मेरे पापा हमारे प्यार को जरूर समझेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। एक बार कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। तुम बड़े घर की बेटी हो, कल को कोई झगड़ा ना हो जाए इस बात का तुम्हें डर लग रहा है ना? यहाँ आने से पहले मैं भी ये सोचकर डर रही थी कि कैसी लड़की होगी, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे तसल्ली हो गई, अब अच्छा लग रहा है। खाना बनाना आता है ना तुम्हें? नहीं आंटी। कोई बात नहीं, मेरा बेटा बना देगा। तुम्हारे लिए अचार वगैरह भेज देती हूँ और मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं।
बाय बेटा। बाय बाय। एमडी सर। एमडी सर अब तक आए नहीं है। क्रिएटिव टीम की मीटिंग कहाँ है? उनका केबिन उस तरफ है। ओके। यस व्हाट डू यू वांट? नया आया हूँ एडी एसोसिएट। या आई एम आनंद प्लीज। बलराम हेलो। हाय आई एम नरेश ही इज मिस्टर पवन। हेलो। हाँ बैठिए बैठिए प्लीज टेक योर सीट्स। आप? एडी एसोसिएट बलराम सर। ओह यस 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 आपके बारे में सतीश जी ने बताया है। वेल बॉयज एक गुड न्यूज है, हम लोगों को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। पहले वो लोग हमें एक एड फिल्म शूट करने के लिए देंगे, अगर वो उन्हें पसंद आ जाता है तो हमें 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट देंगे। ओह वाह। बट अपने पास टाइम बहुत ही कम बचा है, वी नीड टू डू इट फास्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, हम लोग सब कर लेंगे। वेरी गुड। तो ये है अपना प्रोजेक्ट डिटेल, एक बार इसे स्टडी कर लो। ऑल द बेस्ट, गो अहेड। Excuse me, sir. Oh, come in, Arjun. Come in. Please move your chair. Shivam, you start your concept. A college student अपना फोन बदलता है, अपनी बाइक बदलता है, लाइफस्टाइल बदलता है, हेयर स्टाइल बदलता है, यहाँ तक कि गर्लफ्रेंड भी बदलता है, लेकिन अंडरवियर नहीं बदलता। क्योंकि उसने एक बार जब पहन ली तो उतारने का मन ही नहीं करता। महेश, तुम्हारा कॉन्सेप्ट? एक बूढ़े आदमी ने मरते वक्त अपने जायदाद के पेपर्स अपने पोते के हाथ में रख दिए और साथ ही साथ तकिए के नीचे से एक एनवलप भी दिया। उस एनवलप को खोलते ही जब उन सब लोगों ने एक दूसरे को देखा, सब के सब फ्रीज हो गए। बस वहीं हम कैप्शन डाल देंगे, फिक्स बनियान एंड अंडरवियर्स। एक बार फिक्स हो जाए तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाए। हाँ सर, इसकी जो चड्डी है ना वो अभी की नहीं, बहुत पुरानी है। देखो हम लोग सीमेंट या गोल्ड का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं। ओके आनंद, तुम अपना कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करो। सर वो मेरा चड्ढी से सॉरी सर, मुझसे अच्छा इन्हीं लोगों का कॉन्सेप्ट है सर। अर्जुन व्हाट्स योर कॉन्सेप्ट? जनरली सर धूप की वजह से सब लोग पसीने से परेशान रहते हैं, कार में जाने वाले, बस में जाने वाले, सब लोग पसीने से परेशान रहते हैं, लेकिन सिर्फ एक इंसान पसीने में भी एकदम कूल रहता है। एंड नेक्स्ट शॉट में सब लोग ठंड से कांप रहे हैं, सब लोग स्वेटर मफलर ये सब पहनकर जाते हैं। अब यही इंसान ठंड में भी एकदम आराम से रहता है और वहां हम फ्रीज करते हैं और वियो में फिक्स्ड अंडरवियर एंड बनियान डाल देते हैं। ठंड के मौसम में गर्म और गर्मी के मौसम में ठंडा रहता है, ये हमारा टैगलाइन रहेगा। बढ़िया है, लाजवाब है, नेचुरल है और काफी डिफरेंट भी है। अर्जुन तुम अपने इसी कॉन्सेप्ट के 2 वर्जन तैयार करो, हम इसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। श्योर सर। ऐसा ही इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ था। मैं भी एक बार बस में जा रहा था, मेरे बस में चढ़ते ही मेरे बगल में एक आदमी आकर बैठ गया। बस के स्टार्ट होते ही उसका टॉर्चर भी शुरू हो गया। अंडरवेयर के अंदर हाथ डालकर खुजा रहा था, उधर खुजा रहा था, इधर खुजा रहा था, नीचे खुजा रहा था, ऊपर खुजा रहा था। अरे बाप रे बाप, आई कांट एक्सप्लेन इट। और तब मुझे लगा इसने चड्डी पुराने जमाने की पहन रखी है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये रहा आपका एडवांस, एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड। कांग्रेट्स सर। दिस इज अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू, मोर ओवर इन सभी एड्स को तुम्हें ही डायरेक्ट करना होगा। सर थैंक्स अ लॉट सर, आई एम डिलाइटेड। थैंक यू सर। क्लास में होगी, मैसेज कर देता हूं। अभी नहीं, घर पे जाके बताऊंगा। एक बुके देना। हाँ देता हूं।
क्या बात कर रही है? जैसे अर्जुन ने मुझे फॉलो किया था वैसे ही मैंने भी उसे फॉलो किया। अच्छा, और फाइनली सुमा के बर्थडे पार्टी में मैंने उसे प्रपोज कर दिया। वाओ, नाइस। हाँ, उस पार्टी में अयुब ने हिंदी में गाना भी गाया था। अयुब, उसे हिंदी बोलनी नहीं आती, गाना कैसे गा दिया? वाओ, ग्रेट। हाय, तुम क्लास में जाओ, मैं अभी आती हूँ। ओके। उस दिन मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं तुम्हारे प्यार को समझ ही नहीं पाया। बट डोंट वरी, गलती मैंने की है तो सुधारूंगा भी मैं ही। तुम्हारे प्यार के लिए कोई भी मदद की जरूरत होगी तो वो मैं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो अदिति। डोंट वरी, आई एम श्योर कि एक ना एक दिन पापा हमारे प्यार को समझ ही जाएंगे। हाँ, पर एटलीस्ट तुम मुझे समझ पाए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हे अदिति, तू अब तक क्लास में नहीं गई? वन सेकंड, अभी आती हूं, मेरा क्लास का टाइम हो रहा है। ओके, बाय, बाद में मिलते हैं। बाय बाय। अच्छा, शाम को शॉपिंग के लिए चलेंगे, ठीक है? ओके। चूड़ीदार सेक्शन कहाँ है? वो उस तरफ है। और स्कर्ट्स और जींस? हाँ, इस तरफ। अंकल। अदिति, तुम ऐसा करोगी मैंने कभी नहीं सोचा था बेटी। तुमने अपने पिताजी के भरोसे को चूर चूर कर दिया बेटी, ये सही नहीं है। अंकल, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है, हमने शादी नहीं की है। अर्जुन के बारे में सब कुछ जानने के बाद ही मैंने ये डिसीजन लिया है अंकल, इसलिए मैं उसके साथ चली गई, जिसके लिए पापा मम्मी भैया को छोड़कर चली गई। वो लड़का कितना अच्छा होगा एक बार सोचिए अंकल। आज आपको हमारा रिश्ता गलत लग रहा होगा, पर कल जब हम सबके सामने शादी करेंगे तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो बेटी, प्यार में सबसे अहम भरोसा होता है, अगर वो तुम लोगों के बीच है तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू अंकल। टाइम हो गया है, ये अब तक आया क्यों नहीं? यही टेबल तो बुक किया था उसने। खाली हो गया मैडम, हमारी कंपनी चाहिए क्या? यू इडियट। ए, मैं देता हूँ तुझे कंपनी। ए, यू वेट। हाँ, कंपनी चाहिए तुझे, कंपनी। सॉरी बोल, सॉरी सॉरी बोल। सॉरी मैडम, मैडम सॉरी, दोबारा नहीं करेंगे। मैं यहीं पर बिजनेस करता हूँ, पार्टनर्स के साथ डिनर पर आया था। अर्जुन कहाँ है? वो नहीं आया? एक्चुअली वो ऑफिस के काम में बिजी होगा। ओके ओके, सो हु आर दीस? शी इज जेनी एंड टुडे इज हर बर्थडे। ओह, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हाय यश। दीस ऑल आर माय फ्रेंड्स। हाय गाइस। हाय। सो आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं चलता हूँ। अर्जुन को बोलना मैंने याद किया। हाँ, बता दूंगी। ओके, सी यू गाइस, बाय। ये दो दिन हम बहुत एंजॉय करेंगे। क्यों रे, कहाँ जाने वाली है तू? एक्चुअली वो मुझे पूरा हैदराबाद घुमाने वाला है। अच्छा, आजकल वो अभी कुछ ज्यादा ही क्लोज हो गया ना तेरे? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, चल चल, झूठ मत बोल। हाँ, चल सच बता। एक्चुअली मैंने ही उसे पहले प्रपोज किया था। एक बार पढ़ाई खत्म हो जाए तब हम दोनों शादी कर लेंगे। तू अपनी बता। मेरा क्या, मेरी स्टडीज के बाद तो मेरे पापा ने जो 25 लाख जमा किए हैं वो किसी लकी लड़के को मिल जाएंगे। हे, ये हम सबसे सीनियर है, फर्स्ट ईयर से प्यार चल रहा है, एक ही रूम में रहते हैं, पता नहीं क्या क्या चलता है। बोल बोल। अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है हमारे बीच। प्रॉमिस, सब कुछ शादी के बाद ही होगा। शादी के लिए तो अभी बहुत टाइम है, तब तक तो। ए, चुप कर। सॉरी सॉरी बाबा। हाय हाय हाय, क्या चल रहा है? Thank you.
यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे दो प्लेट, मुझे दो, मैं अरे मैं धो दूंगा, मैं धो दूंगी, मैं धो दूंगा, तुम दो मुझे, दो Today our topic is management. Management in business and organization is the function that coordinates the efforts of people to accomplish goals and objectives using available resources efficiently and effectively. I hope you all are able to follow me. Comprises planning, organization stepping, leading, and directing, controlling an organization to accomplish their goals. Now, management is defined as an organization and coordination of the activities of the enterprise in accordance to certain policies and achievement of clearly defined and objectives. Then, resourcing and accompanies and development manipulation of human and resources and financial resources and technological resources and natural resources. Management is an art of science. Management is also an academic discipline, a social science whose objective is to study social organizations. Hi Aditi. Hi Yash. तुम लोग चलो, मैं भी आती हूँ. तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, तुम्हारे डैडी और भैया यहीं आ रहे हैं. तुम्हारे प्यार के बारे में, अर्जुन के बारे में मूर्ति अंकल और मैंने मिलके सब कुछ बता दिया और आज मिलने के लिए उन्होंने मुझे फोन भी किया. Now everything is sorted. उन लोगों के आने का टाइम हो गया. देखो तो उन लोगों को पिकअप करके फिर घर चलते हैं, अर्जुन को सरप्राइज देते हैं. हाँ कम. Okay, okay, let's go. मैंने भी तो वही बोला था उसे. अर्जुन तो सच में सरप्राइज हो जाएगा. हाँ? पापा और भैया यहाँ आ रहे हैं. I'm really happy. मुझे तो लगा ही नहीं था कि पापा और भैया इतनी जल्दी मान जाएंगे. Of course. Thanks, यश, हमारे प्यार को समझकर हमें हेल्प करने के लिए. Relax, ये मेरा फ्लैट है. Come, come, come. Yes. Wow, nice flat. Thanks. It's so pretty. Yeah, yeah. वो क्या है ना कि I really love nature. और इसीलिए मैंने इस फ्लैट को कुछ ऐसा ही. माय रूम. दिस इज योर रूम. यस प्लीज प्लीज कम. मेरी बहन की तुम्हारे भाई के साथ शादी होने के बाद मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार था. पहले से ही मुझे उस अर्जुन से बहुत नफरत है. तुम तो उसे प्यार करके वैसे ही छोड़ के चली गई थी. उस दिन तुम्हारे पापा ने कहा था कि इस दुनिया में उससे अच्छा कोई आदमी है ही नहीं, और ये सोच के उन्होंने उसे तुम्हारे साथ भेज दिया आराम से. तुम्हारे पापा और वो अर्जुन सब ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया तुम्हारे पास आने के लिए. तुम्हारा दिल जीतने के लिए ही मैं हैदराबाद आया हूं. तुम्हें फॉलो किया मैंने. और मेरे सभी प्लान्स को डिस्टर्ब किसने किया पता है? मूर्ति ने. हैदराबाद में मैं आदिति से मिला था. बहुत खुश है. MBA की पढ़ाई कर रही है. वो लड़का ही उसे पढ़ा रहा है. वो शादी तभी करेंगे जब तुम लोग मान जाओगे.
मेरी बेटी के मामले में मेरा भरोसा गलत निकला, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। नूर के अंकल कभी ना कभी उसे बात करके उसे उस घर में ले जाएंगे और ये करना उनके लिए बहुत ही कंफर्टेबल होगा, ये बात तुम समझ सकते हो, ये फिक्स है। और इसीलिए उसके बाद मैंने कोई भी प्लान बनाना छोड़ दिया। हम दोनों एक डील कर लेते हैं क्या? लेट्स कॉम्प्रोमाइज इन माय बेड। ए जस्ट लीव मी। उस लीवर के बेटे के साथ करोगी तो ओके है हा? और मेरे साथ नहीं करोगी, ऐसा क्यों? अगर तुम मुझे कोऑपरेट करोगी तो वो तुम्हारे लिए बहुत ही बेटर रहेगा। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें बचाने आ सकता है, चाहे तो कितनी भी कोशिश कर लो। रिमेम्बर, उसे खत्म करना है। तुम चुपचाप कोऑपरेट करके चले जाओ वरना है? छोड़ दो यश। चुप चुप चुप। क्या हुआ यश? अरे क्या हुआ? नहीं ऐसे क्यों देख रहे हैं? यार तुझे फोन कर रहा था तो तेरा फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। नीचे वॉचमैन से पूछा तो उसने बताया तू ऊपर अपने फ्लैट में ही है। वो तेरी फ्रेंड की शॉप है ना, चार मीनार के पास। या। उसके मटेरियल की तारीफ सुनी है इसीलिए यहाँ आए हैं। पापा और अंकल भी इसी बहाने आ गए। चलो फिर चलते हैं। हाँ श्योर, चलिए। अरे एक मिनट जरा, मैं वॉशरूम जाके। एक मिनट। Oh no! मैं भी आता हूँ अंकल। अदिति, भैया, पापा। क्या हुआ बेटी? अरे, अमित, वो कहाँ गया? मेरा फोन। एक नंबर के कमीने हैं। भैया मुझे बहुत डर लग रहा है, चलिए अर्जुन से मिलकर आते हैं। भैया चलिए। चलो चलो चलो। कब से इंतजार कर रहे थे ना अर्जुन? पापा, भैया, आंटी, अंकल सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम जीत गए अर्जुन, हमारे प्यार को वो लोग समझ गए। मैंने तुमसे सीखा कि प्यार कैसे करते हैं अर्जुन, वो प्यार चार लोगों के बीच में कैसे निभाया जाता है ये तुमने मुझे सिखाया। आज जब सब लोगों ने हमारे प्यार को स्वीकार कर लिया है तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी, तुम्हारे बिना मैं एक पल भी नहीं जी पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी अर्जुन। उठो अर्जुन, एक बार अपनी आंखें खोलो, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। Thank you.
है पगली। डर गई क्या? डॉक्टर, डॉक्टर! तुझे छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा? सब ठीक है, ऑफिस जा रहा है। नेक्स्ट वीक मैं हैदराबाद आ रहा हूँ, तेरी भाभी का हेल्थ चेकअप है। किसका फोन है? भैया का। मुझे तो, मैं बात करता हूँ। ठीक है, टेक केयर। ठीक है भैया, बाद में कॉल करती हूँ। ओके, बाय। चलो। क्या कह रहे थे मेरे साले साहब? तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पूछा। अच्छा, उसने तो मुझे मारा था। साले को साला कहा तो गुस्सा आया। हाँ बोलो, तुम्हारा गुस्सा कैसे कूल करना है मुझे पता है।